लाइक करना था ब्लॉग, दाल ब्रश कर रहा था, दिल्ली चल रही है, रात के अभी 3 बज गए हैं और अभी हम तैयार होकर जा रहे हैं शहरी करने। फिलहाल अरबाज अपने भाई से बात कर रहा है, अभी हम जा रहे हैं शहरी करने। तो फिलहाल सामने मिरर है, मिरर में अपोजिट ही दिख रहा है। तो अभी यहाँ से शहरी करेंगे, शहरी करने के बाद फिर अपना वहाँ से जो कवाल वगैरह का प्रोग्राम है वो देखेंगे। और फिलहाल तो ब्रश ही कर रहा हूँ, तो सबसे तैयार होकर और फिर निकलते हैं यहाँ से डायरेक्ट। वैसे भी रेडी हो चुके हैं बैग वगैरह, अब बस निकलना है डायरेक्टली। तो मैं घर से बाहर निकलता हूँ, सब कुछ ले लिया जाए, चाबी निकालना हो गया तेरा। तो सामने ये रही लिफ्ट, लिफ्ट आती है फिर हम लोग डायरेक्ट चलते हैं नीचे। वैसे अभी फिलहाल बज रहे हैं 4 और सुबह दरगाह से आने के बाद पता नहीं क्या हो गया, डायरेक्टली सो गए थे। तो अभी फिलहाल मैं नहाकर रेडी हो चुका हूँ, तो अभी चलते हैं फटाफट से यहाँ पर, अरबाज तैयार हो चुका है। तो चलते हैं जल्द से जल्द, व्लॉग को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला। हम लोग जाना सागर और 700 जाने वाले थे, सब कैंसिल हो गया। और अभी फिलहाल मैं आया हूँ एक बहुत ही अच्छी जगह पे जो कि अजमेर में ही है, गवर्नमेंट म्यूज़ियम अजमेर। फिलहाल इसके अंदर जाता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब हिस्टोरिकल सा है, अकबर का म्यूज़ियम ऐसा मैं सुना था। बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल सा गेट वेट है, सब कुछ यहाँ पर ऐसी है। तो अभी चलते हैं इसके अंदर, फिर देखते हैं। यहाँ पे पैसे का बहुत इशू हो रहा है, मतलब यहाँ पर UPI वगैरह ऑनलाइन वगैरह चलता नहीं है, तो हमें यहाँ पर कैश ही प्रेफर करना पड़ता। तो अभी हम जगह गया था एंट्री के लिए, क्या बोले वहाँ टिकट लगेगा, टिकट के लिए गूगल पे है नहीं, कैश है नहीं, और गूगल पे तो यहाँ पर। भाई साहब सामने है म्यूज़ियम, और इस 200 रुपये के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा है। कल भी नहीं आ पाए थे क्योंकि हमारे पास UPI में था, और उसको हम लोग ने मतलब किसी पान वाले को दिए, तो उसने ऊपर का कमीशन लिया और ये एक नोट मिली है। सामने वहाँ पर है टिकट काउंटर और ये रहा म्यूज़ियम, और अभी अपने साथ यही दोनों हैं क्योंकि और कोई तो आया नहीं है। तो फिलहाल सब लोग यहाँ पर फ़ोटो शूट कर रहे हैं म्यूज़ियम में, हम लोग भी घुसने से पहले करेंगे। और वहाँ यहाँ से मिलेगा टिकट, तो टिकट काउंटर पे चलते हैं और टिकट खरीदते। तो कॉलेज आईडी वालों को शायद यहाँ पर डिस्काउंट है, तो देखते हैं कॉलेज आईडी का क्या है, लोग कुछ डिस्काउंट देते भी हैं या फिर खाली नाम के लिए लिखा हुआ है। तो ये देखो यहाँ पर टिकट के प्राइस है भारतीय छात्र, हाँ तो हम लोग का 20 का ही है। टिकट दीजिए ना, स्टूडेंट टिकट, आईडी कार्ड देना सर। राजस्थान का रहना जरूरी है कि बाहर का चलेगा? गाइस फिलहाल फाइनल 3 टिकट मिल चुकी है, जिसमें से 2 मेरी और आशिक की मिली है बिना आईडी वाली, जिसका 50-50 लगा है। और ये अरबाज के लिए आईडी वाली मिल गई, जो अपने को 20 रुपये में मिल गई, पहले तो 10 था, अब इसको कन्वर्ट करके 20 कर दिए हैं। तो अभी यहाँ से अंदर चलते हैं म्यूज़ियम के और देखते हैं फिर क्या सीन है। तो फिलहाल अभी अंदर चलते हैं, तो 3 टिकट है, ये लीजिए टिकट है। इनका है, इनका कॉलेज आईडी है, कॉलेज वाला ये ये है। तो सभी कॉलेज में पर आईडी नहीं मिली टाइम पे। चलो थैंक यू, राइट बोलो। ठीक है, तो अभी फिलहाल अंकल ने टिकट फाड़ दिए हैं, अब आगे से बोले राइट लेना। कुछ इस तरीके का एंट्रेंस है भाई, एकदम पुराने जमाने वाली फील आ रही है। मैं तो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस चीज को लेके। भाई साहब कोई है ही नहीं पूरे म्यूजियम में, सिर्फ हम लोग अकेले हैं। तो सबसे पहला ये है 1 नंबर गेट, ये क्या है, एक्सकेवेशन गैलरी। तो अंदर चलते हैं, वीडियो नहीं, अंकल ने पहले मना कर दिया, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। ये देखो अंदर वीडियो बनाना नॉट अलाउड है, फिर भी मैं छुपके छुपके बना रहा हूँ। भाई यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी मैं 1 नंबर गेट से निकल चुका हूँ, अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो भी लोग ट्राई करते हैं। अभी ये मैं आ चुका हूँ 2 नंबर में, ऑक्टागोनल बेशन बंद दिख रहा है, एक मिनट, बंद ही है, इधर खुला है क्या, ये भी बंद है, बंद है बंद है। तो 2 नंबर बंद है, 3 नंबर पे आते हैं, ये है स्कल्पचर गैलरी। गाइस यहाँ पर अंकल नहीं है, तो फिलहाल मौके का फ़ायदा उठा के मैं काफ़ी सारी वीडियोज बनाता हूँ, एक से एक मूर्ति है, तो सबके सब मैं दिखाता हूँ। गाइस अभी हम लोग 3rd वाले सेक्शन से निकल गए हैं,
यह फोर्थ जिसमें पेंटिंग एंड टेक्सटाइल गैलरी है, जहाँ पर अंकल खड़े हैं बाहर। अंकल अंदर वीडियो बना सकते हैं? इस बार अंकल ने परमिशन दिया। ठीक है अंकल, तो इस वाले में वीडियोस बना सकते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी। अंकल ने परमिशन दे दी। ये भाई सब, ये सब के सब पेंटिंग है। ये सब पेंटिंग है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ ऐसा सेक्शन है यहाँ पर है। ये तो पूरा भूल भुलैया है यार, सही में है। ओ भाई साहब, यहाँ पर ये क्या है? ये है ओढ़नी ब्लाउज एंड पेटीकोट का लिखा है। ये राजस्थानी कपड़े हैं। ये है रॉयल कोट, राजाओं की कोट है। यहाँ से दूसरा सेक्शन है, वहाँ चलते हैं। प्लीज, यहाँ पृथ्वीराज रास्ते, तो ये है पृथ्वीराज रास्ता। और भाई ये अपन एकदम सेंटर में आ चुके हैं। यहाँ पर देखो पेंटेड पृथ्वीराज राव सीन, सब वही सब है। जितनी यहाँ पर पेंटिंग्स है सब पेंटेड पृथ्वीराज के हैं। भाई भूल भुलैया, अब चार रास्ते हैं, जाना तो जाना होगा। तो चलो पहला इस रास्ते पे आते हैं। इस रास्ते में यहाँ कुछ भी नहीं है। तो भाई कोने कब्चे गली गली से निकलना पड़ रहा है भाई। फुल एकदम से पुराने जमाने वाली फील है। पूरा का पूरा भूल भुलैया है। कहीं भी घुसो, कुछ भी करो, फिर से घूम फिरा के हम सेम स्पॉट पे आ गए भाई। अब यहाँ से इस तरफ बढ़ रहे हैं। एक पुराने किले वाला किले, काफी बढ़िया पूरा भूल भुलैया है। गोल घूम कर देखो, फिर वही जगह पर आएगा भाई लोग यहाँ पर हैं। फिर यहाँ से दिस वे प्लीज, पर हम लोग इस बार दिस वे जाएंगे। और ये हम लोग आ चुके हैं एंट्रेंस पे। यहीं से बाहर भी निकलना है अंकल, यहीं से बाहर निकलना है। पूरा का पूरा गोल गोल घूमकर आ गए और यहीं से बाहर निकलना है। ये पांचवा नंबर जो है जैन गैलरी, इसमें क्या है? अब इसके अंदर भी चलेंगे। अब एंट्रेंस ले रहे हैं हम लोग जैन गैलरी में। तो इसमें बेसिकली जो भी है यहाँ पे मारवाड़ी जैन लोग का जो भी है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी सारी की सारी मूर्तियाँ ही हैं, मतलब जैन लोगों की है। अब यहाँ पर ये एक सेक्शन आया है। इस जगह पर बैठ के हम लोग अभी आराम से टीवी देख सकते हैं। और यहाँ पर बैठने की सीट्स बनी हैं, तो हम लोग अभी यहाँ पर बैठते हैं और देखते हैं फिर थोड़ा बहुत शो क्या हो रहा है, थोड़ा सा शो देखते हैं। तो स्टोरी सुन के अच्छा लगा, कुछ देर तक सुनने हैं यहाँ पर। इसमें स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, फजर की नमाज के बारे में भी है और बहुत से लोगों की। यहाँ पर एक मूर्ति, इधर भी मूर्ति, इधर भी मूर्ति, तो यहाँ पर हर जगह मूर्ति है। ये जैन गैलरी है। तो यहाँ पर ये लास्ट सेक्शन, और अब इसके बाद हम लोग बाहर आ चुके हैं जैन गैलरी के। ये था, अब हम लोग जा रहे हैं सिख वेपन गैलरी। बस इसी का इंतजार था, वेपन गैलरी। यही चीज वही बोलने वाला भाई, ये सब क्या है, तलवार चीज देखने। तो चलो वेपन गैलरी के अंदर की एंट्रेंस, बस कैमरा अलाउड रहना चाहिए। जिस चीज़ का मेरे को डर था, वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, वही चीज़ हुई। पर यहाँ पर देखो भाई, एक से एक अकबर बादशाह की तलवारें ये सब हैं। वहाँ सामने सब वेपन है, गन है और ये सब है। तो अलाउड तो नहीं था, पर फिर भी मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ आप लोग के लिए, तत्ता रिस्क ले रहा हूँ। एक से एक गन है, 609 ऐसे ऐसे नाम है। और इनकी जो लंबाई देखो, इतनी लंबी लंबी और इतनी हार्ड हार्ड गन है, इसको बोल सेक्शन पूरा गन का है। यहाँ भी गन है, यहाँ भी गन, यहाँ भी गन, यहाँ भी गन और वहाँ भी गन है। तो बहुत छुप छुप के वीडियो बनानी पड़ रही है भाई। सबसे खतरनाक जो चीज़ थी, शस्त्र दीर्घा वेपन गैलरी से हम लोग बाहर आ चुके हैं, 6 नंबर। अब 7 नंबर है इंस्क्रिप्शन गैलरी। तो यहाँ भी अंदर देखते हैं, जितना हो सकता है हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ पर इलीगल है तो उसका हम लोग को ध्यान रखना पड़ रहा है। एक और बिगेस्ट जगह से हम लोग निकल चुके हैं, जो कि था कॉइंस गैलरी। ये 8 नंबर था कॉइंस गैलरी।
अब चलते हैं 9th में, यह ऑक्टागोनल वर्शन 2, पर अंदर वीडियो अलाउड नहीं है तो बाहर ही जो बनाते बना लेते हैं बस। हम लोग एक बहुत अच्छे स्पॉट पर आए हैं, ये मैनग्रोव डिस्प्ले, जहाँ पर ये देख सामने भाई क्या ही लाजवाब नज़ारा है। ये है अपने जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो है पृथ्वीराज चौहान एंड ये है चांद बरदाई, ये लिखा है यहाँ पर सब डिटेल्स। तो ये देखो पृथ्वीराज चौहान जो है उनके हाथ में तीर है, तो यानी वो चलाने जा रहे सामने वाले बंदे पे, ऐसा उनको लग रहा है अभी फोटो से, तो यही फील हो रहा है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी और सामने रखी हैं मूर्तियाँ। तो फिर से चलते हैं बाहर और ये वाला सेक्शन ताला लगा है, बंद है। ये वाला सेक्शन भी बंद है, ये क्या था रूमा आज़म कुछ था, बंद है। तो ये पत्थर की है। अब इस स्पॉट पर हम लोग थोड़ा सा बैठते हैं और बाकी जो ऊपर का नज़ारा है भाई, अगर टेरिस पे जाने का कहीं से रास्ता वास्ता हो तो भाई क्या ही नज़ारा है ऊपर जाके, हम लोग बहुत सारा रिकॉर्ड करें। तो अभी यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करते हैं, सामने एग्जिट गेट है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, कुछ ओवर हो चुका है, बहुत देर से बैठे थे, आधा घंटा एक घंटा हमने यहाँ पर टाइम भी स्पेंड किया। तो किला ऐसा है यहाँ पर ग्रीन गार्डन से थोड़े बहुत, अब एग्ज़िट लेते हैं, टाइम आ चुका है, एग्ज़िट हो जाएंगे। तो ये फ़िलहाल एग्ज़िट गेट, जहाँ से एंटर हुए थे वही गेट एग्ज़िट के भी काम में आएगा, बस एंटर इस साइड से हुए थे एग्ज़िट इस साइड से होंगे, ऑलवेज यूज़ लेफ्ट साइड। और ये पुराने ज़माने का लकड़ी वाला दरवाज़ा, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब एग्ज़िट लेते हैं। तो यही था अजमेर का म्यूज़ियम जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। अब सीधा होटल चलते हैं। सो गाइस अभी फ़िलहाल हम लोग घूम फिर कर आ चुके हैं और हमारे साथ बहुत गंदा स्कैम हो गया गाइस। यहाँ पर गूगल पे UPI ये सब कुछ चलता ही नहीं है, और उसके बाद फिर ढूंढ रहे थे ATM, तो ढूंढते ढूंढते ATM मिला तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, पैसे अपने पास कैश थे नहीं, ATM चल रहा नहीं है, गूगल पे चल रहा नहीं है। अब सुबह होटल वालों से बात करना पड़ेगा कि हम लोग गूगल पे करेंगे, तो बोलो हम लोग को कैश दे दें। अभी फिलहाल आ चुका है फ्लोर सामने ही अपना घर, चल निकल भाई, एकदम सामने वाला, जय सामने वाला 101 अपने ही था। तो अभी चलते हैं अंदर घर में।